सॉयल इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स मतलब प्रकृति की देन है हमें प्रकृति से मिली है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग द रूट फॉर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ओके जो एक प्लांट की ग्रोथ है किस पर डिपेंड करती है मिट्टी में मिट्टी पर बहुत रूप से डिपेंड करती है बिकॉज उसकी जो रूट्स हैं जो उसकी जड़ें हैं वो मिट्टी में इस तरह फर्मली इत, इस तरह फैली रहती हैं कि उसको जो भी हम पानी डालते हैं उसमें जितना कुछ भी हम रूट्स में देते हैं मिट्टी उसको एब्जॉर्ब करती है और उसके थ्रू रूट्स के थ्रू ऊपर जाता है और पूरे प्लांट्स तक वाटर और न्यूट्रिएंट पहुंच जाते हैं ओके इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज़म मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका घर मिट्टी है वो उसी में रहते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिनके लिए मिट्टी ही उनका घर है छोटे मोटे इंसेक्ट्स है ना ये सॉयल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर अब एग्रीकल्चर जो खेती है जो किसान हमारे फसल उगाते हैं उसके लिए एग्रीकल्चर इतना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड क्लोदिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल और उससे हमें रोटी कपड़ा और मकान ये सारी सुख सुविधाएँ जो हमारी हैं ये हमें एग्रीकल्चर से ही मिलती है सॉइल इज देशबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ सॉयल क्या है हमारी जिंदगी का हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो हमसे अलग नहीं हो सकता हम हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है द अर्दी फ्रेगरेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग आपको भी याद होगा जब पहली बारी बारिश आती है और उसकी जो मिट्टी में खुशबू आती है वो ऐसी खुशबू होती है जिसको हम हमेशा याद करते हैं मेमोराइज़ करते हैं तो सॉइल का बहुत सारा रोल है हमारी लाइफ में एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस ओके नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द सोइल प्रोफाइल ओके एज़ यू कैन सी हेयर एक ग्लास लिया है इसमें आपको क्या करना है सॉइल प्रोफाइल क्या होती है कि इसमें बहुत सारी डिस्टिंक्ट लेयर होती हैं सॉइल के अंदर बहुत कुछ मिला होता है सॉइल इज़ कम्पोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर बहुत सारी इसमें लेयर्स हैं अब हमें ये कैसे पता चलेगा आपको एक ग्लास लेना है और उसमें कहीं से भी आप थोड़ी सी मिट्टी ला पानी में जैसे यहाँ पे भरा है इसमें फिल करके आप उसमें मिट्टी डालेंगे उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे उसके बाद आप क्या देखेंगे कि इसमें अलग अलग लेयर्स दिख रहे हैं सबसे लास्ट लेयर में ग्रेवल उसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर दिखेंगे सैंड फिर क्ले पार्टिकल्स फिर वाटर दिखेगा और उससे सबसे ऊपर दिखाई देगा आपको ह्यूमस ह्यूमस क्या होता है द रोटिंग डेड मैटर इन दॉयल इज कॉल्ड ह्यूमस जो भी पत्ते मिट्टी में ऊपर से पेड़ से गिरते हैं ये सारे जो है सड़ने लगते हैं और उसके बाद ये मिट्टी को अच्छा बनाते हैं ह्यूमस अच्छा होता है ह्यूमस प्लांट्स के लिए अच्छा होता है ठीक है मिट्टी में मिलके जो भी पत्ते गिर रहे हैं या कुछ मैटर और भी है वो सब मिलके एक उसके बाद थोड़े दिन बाद सड़ने लगते हैं तो उसी मैटर को द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉयल उसको हम बोलते हैं ह्यूमस ओके उसके बाद है वाटर आपको पता है इसमें वाटर हमने मिक्स किया तो वाटर दिखाई देगा उसके बाद क्ले पार्टिकल्स दिखाई देंगे ओके okay? सैंड जो है रेत के कुछ कुछ कण दिखाई देंगे नेक्स्ट लास्ट में आ जाते हैं जो मोटे वाले स्टोन्स होते हैं वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं जो भारी पार्टिकल्स होते हैं उसको सबको हम ग्रेवल बोलते हैं ओके okay? तो आप ऐसे देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी करके देख सकते हैं बहुत इजी है तो आपको डिफरेंट लेयर्स जो हैं अब हमें दिखाई देंगी और इसको हम क्या नाम देते हैं सॉयल प्रोफाइल ओके नेक्स्ट हम ध्यान से अब देखेंगे कि अगर हम वर्टिकल सेक्शन देखेंगे सॉइल का कि कौन कौन सी लेयर हैं तो उसके कुछ हमें सॉइल के हॉरिजन्स दिखाई देते हैं ओके ये इसमें आपको शो हो रहा होगा लेयर्स ऑफ सॉयल ओके जैसे ऊपर आपका यहाँ प्लांट्स लगे हैं उसके नीचे ये जितने भी सॉइल की लेयर्स हैं ये डिवाइडेड हैं एक पार्ट दो पार्ट तीसरे पार्ट चौथे पार्ट में इन सबको हमने हॉरिजन्स का नाम दिया है ए हॉरिजन बी हॉरिजन सी ओरिजिन और लास्ट में आता है बेड ड्रॉप ओके ए ओरिजिन में क्या आता है सबसे ऊपर तो हमारी सॉइल है सबसे जहाँ पे प्लांट्स हैं ग्रीन प्लांट्स ये सॉइल क्या होती है जो हमारे प्लांट्स इसमें उगते हैं उसकी जो मिट्टी है ऊपर की मिट्टी ओके टॉप सॉइल उसके बाद हमारा आता है ए ओरिजिन सबसे पहले वाला ए एरिजन क्या होता है द लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर इट इज कॉल्ड द टॉप दॉय और ए एरिजन ए ओरिजिन को हम टॉप भी बोलते हैं और इसमें जो जितना भी हमारा वाटर है हम इसमें डालते हैं इसमें वो एब्जॉर्ब हो जाता है और यहीं से प्लांट्स को मिलता है ओके okay? उसके बाद हमारी आती है बी ओरिजिन बी ओरिजिन में क्या है द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर अमाउंट ऑफ मिनरल दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी ओरिजन बी ओरिजिन क्या है बी ओरिजिन में जो है थोड़ा कम अमाउंट है ह्यूमस का पर मिनरल्स बहुत सारे हैं और ये थोड़ी सी हार्ड होती है और थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है इसलिए इसको हम बी ओरिजन या फिर इसको मिडल लेयर भी बोल सकते हैं ओके ये आई एम रीडिंग द टेक्स फ्रॉम योर टेक्सट बुक आप अपने टेक्सट बुक में पेज नंबर नाइन्टी एट पर देखेंगे जो आपके डायग्राम के नीचे है ये सारा पार्ट वहाँ लिखा है आप उसमें से पढ़ सकते हैं ओके नेक्स्ट लेयर है उसके नीचे सी ऑरिजिन सी ऑरिजिन जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सी ओरिजिन द थर्ड लेयर इज द सी ओरिजिन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल नाम्स ऑफ रॉक विद क्रैक्स एंड सर्विसज ओके इसमें क्या है छोटे मोटे क्रैक्स और जो रॉक्स हैं नीचे मोटे वाले वो इसमें रहते हैं सी ओरिजिन में ओके okay? और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है हमारा बेड रॉक जिसमें बड़े बड़े जो आपको दिख रहे हैं पत्थर हैं और इनको निकालना इनको खोदना बहुत ही मुश्किल होता है ओके सो so, ये जो आपकी सॉइल प्रोफाइल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए और इसके डिफरेंट में कौन कौन सी टाइप की सॉइल मिलती है या उनका क्या फंक्शन है जैसे मैंने आपको अभी बताया है आपको ये अच्छे से समझ आना चाहिए ओके जो हमारी ए औरिजन है उसी में जो हम उसको टॉप सॉयल भी बोलते हैं इसमें हमारे जितने वाम्स रोडेंट्स मोल्स बीटल जो हैं ये सारे हमारे इसमें हमें मिलते हैं जो छोटे मोटे आपने देखे होंगे कीड़े वॉम्स वगैरह घूमते हैं जो ऊपर दिखाई देते हैं सॉइल के वो सारे हमें ए औरिजन में मिलते हैं ओके और जितने भी जो रूट्स हैं वो सारी यहाँ पर दिख रही है आपको ए औरिजन तक ही फैली रहती है उसके नीचे फिर हमारा बी होराइजन शुरू हो जाता है देन सी हॉराइजन और लास्ट में सबसे बेड रॉक है ओके सो टुडे वी विल लर्न अप टू हेयर नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन अदर अनदर वीडियो ओके थैंक यू ऑल दैट सॉल्व फॉर टुडे